किसी रन के। रजत खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। बहुत ही जबरदस्त और राहुल 11 के किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से अगर छेड़ निकलता है तो प्रति छक्का 50 रुपए दिल्ली चैन हाउस की तरफ से। पर छक्के में 50 रुपए दिल्ली चैन हाउस की तरफ से। राहुल 11 के किसी भी बल्लेबाज के बैट से अगर एक हवाई फायर निकलता है तो। और बढ़िया गेंदबाजी, छोटा फॉर्मेट, 4-4 ओवरों का यह मुकाबला। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेल यहां पर अपनी टीम के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा कर बैठे अंपायर के दोनों हाथ हवा में। व्हाइट बॉल का इशारा इसे भी जाता हुआ, अंपायर पंकज भाई के दोनों हाथ हवा में लहरा गए थे। और इसी बीच एक अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर इस समय 1 रन, यानी कि खाता खुला अतिरिक्त के साथ। बड़ा प्रहार करना चाहते थे, उतना बढ़िया संपर्क नहीं, हालांकि टीम में खिलाड़ी मौजूद, सफाई से गेंद को फील्ड कर लिया। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों। इस बार बैट से 1 रन बटोरते हुए बल्लेबाज रजत। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेल रन बटोरने होंगे क्योंकि दोनों टीमों के पास सितारे। अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्डर मौजूद है, देखना गेंद को रोक पाते हैं। जी हाँ, बहुत ही सफाई से इस गेंद को रोका वहां पर। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। क्या सफाई से इस फील्ड किया वहां पर खड़े खिलाड़ी ने। गेल बहुत ही साधारण तरीके से ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हुए। एसके लेजर सोल्डरिंग की तरफ से अगर कोई भी गेंदबाज आरबीजी टंच का विकेट लेता है तो 201 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा उसको। 201 रुपए का नगद पुरस्कार आरबीजी टंच का कोई भी गेंदबाज अगर विकेट चटकाता है तो। और एक ओवर की समाप्ति, नुमान वाले टीम में है, 4 रन है स्कोर। बकरा में नुमान वाले टीम में खेलेगा भाई। माहौल शांत, माहौल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है यहाँ पर। बहुत ही समझबूझ गजार बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन 4-4 ओवरों का ये मुकाबला है तो कहीं ना कहीं हाथ खोलने होंगे शुरुआत से ही और हाथ दिखाने होंगे। देखना है गेंदबाजी में इस समय जैद को कप्तान धीरज सिंह ने बुलाया है। देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। रजत तैयार, पिछले मैच में बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली थी और उसी कार्य को देख के राहुल 11 ने इनका प्रमोशन किया गया है। और जो जो लोग बाउंड्री में करीब बैठे हुए कृपया थोड़ा बाउंड्री से दूर बैठ जाएं क्योंकि फील्डर को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत ही कड़ा मुकाबला है। बाउंड्री से करीब 3-4 कदम दूर बैठ जाएं, अन्यथा उनको चोट भी लग सकती है। फील्डर उनके ऊपर गिर सकते हैं तो उससे नुकसान फील्डर का और उनका दोनों का हो सकता है। जिन जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है बाउंड्री से 2-3। हा हा हा, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी ऑफ स्टंप और पूरी तरीके से छकाया यहाँ पर, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। ये मैच लखनऊ में खेला जा रहा है भाई। नहीं भाई, बिट्टू तिवारी और खेल रहा है। जो भी राहुल 11 की तरफ से जो भी पहला सिक्स लगाएगा दिल्ली चैन की तरफ से उसे 501 रुपए का पुरस्कार। लेकिन बढ़िया कैच वहां पर, बहुत ही शानदार कैच वहां पर देखने को मिला अर्जित द्वारा। बहुत ही शानदार तरीके से इस कैच को लपका उन्होंने। 501 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा जो भी बल्लेबाज पहला सिक्स लगाएगा राहुल 11 की ओर से दिल्ली चैन की तरफ से।
रिकॉर्ड हुआ है 501 रुपए। पहला छक्का जिस भी बल्ले के बल्लेबाज के बल्ले से निकलेगा। अब इस समय बल्लेबाजी करने के लिए हरीश भाई इस समय आते हुए, इस बार उनको अपना जोहर दिखाना होगा, अपनी टीम को संकट के बादलों से निकालना होगा। मझधार में फंसी हुई है उनकी टीम, उससे उनको बाहर निकालना होगा। देखना है क्या करते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं, काबिलियत है उनके पास, लेकिन उस काबिलियत और उस एक्सपीरियंस को झोंकना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से दबदबा बना के रखा है यहां पर टीम आरबीजी टंच ने, निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा इस समय हावी हो चुकी है टीम राहुल 11 के ऊपर। अगर कोई भी गेंदबाज आरबीजी टंच की तरफ से मैडन ओवर निकालता है तो 1001 रुपए का पुरस्कार। एसके लेजर होल्डर्स की तरफ से समझ भाई, शुक्रिया भाई, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। लेजर शोल्डिंग की तरफ से माफ कीजिएगा, एसके लेजर शोल्डिंग की तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार मैडन ओवर फेंकने पे। वही चाय भेज दे भाई, 501 रुपए का पुरस्कार है अगर कोई भी बैट्समैन राहुल 11 की ओर से छक्का लगाता है पहला छक्का तो। और कोई भी टीम जो भी हार चुकी है, जो जीत चुकी है, कोई भी टीम जाएगी नहीं, क्योंकि सबके लिए यहां पर पुरस्कार है। जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, उन सभी के लिए पुरस्कार है। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्रिकेट टूर्नामेंट चौक स्टेडियम 25/10/2022 ऑर्गेनाइज बाय बंगाली गोट समिति सेवा समिति की ओर से यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस बीच, बहुत ही कड़ा मुकाबला है। बड़ा प्रहार करना चाहते थे, गेंद बैट का संपर्क नहीं और गेंद जंप पे जा टकराई। पवेलियन की ओर वापस जाना होगा बल्लेबाज हरीश को। बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर देखने को मिला है इस बीच। 7 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर, लगातार गोलेबारी होती हुई दोनों टीमों की ओर से, लगातार आतिशबाजी होती हुई दोनों टीमों में स्टार्स खिलाड़ी। देखना है कौन इस मुकाबले को जीतता है, दिलचस्प होगा ये देखना। और दोनों टीमें चाहेंगी कि इन चमचमाती हुई ट्रॉफी के हकदार बने। हालांकि पहला जो मुकाबला खेला गया था बहुत ही रोमांचक रहा, उस मुकाबले को जीत के सेमीफाइनल को जीत के फाइनल में प्रवेश कर लिया था टीम ने। और इस बार देखना है कि इस मुकाबले को राहुल 11 या आरबीजी टंच जीतती है। कोलकाता पहले सेमीफाइनल मैच जीत गई भाई। हालांकि रन बनाने होंगे, अगर आप रन बनाएंगे तभी इस मुकाबले में रहेंगे, अन्यथा आप इस मुकाबले से बहुत दूर निकल जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी यूनिट मौजूद है आरबीजी टंच के पास, देखते ही बनता है। राहुल 11 के पास हालांकि गेंदबाजी है स्ट्रॉन्ग, लेकिन गेंदबाजों के लिए बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे, टारगेट देना पड़ेगा, तभी कुछ यहां से हो सकता है। लेग स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की ओर विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपिंग में बढ़िया मुजाहरा करते हुए विकेट कीपर विकेटों से लगभग 8 से 9 कदम दूरी पे खड़े हुए और वाइड बॉल का इशारे से भी जाता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त में बढ़ोतरी होती हुई, इस अतिरिक्त के साथ साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 8 रन पहुंच गया है स्कोर दो विकेट के नुकसान पर टीम राहुल 11। दूसरा ओवर प्रगति पर, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, गेंद बैट का उतना बढ़िया संपर्क नहीं, 1 रन बहुत तेजी से दौड़ के लेते हुए दूसरे रन की चाह जताई है, लेकिन वहां पर टीम पे खड़े खिलाड़ी इतनी तेज से गेंद की ओर आए और दूसरे रनों की संभावनाओं को वहीं पे निरस्त कर दिया। 9 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पे। रन गति को तेज करना होगा अगर इस मुकाबले को दिलचस्प बनाना है तो। फयाज भाई क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर राहुल 11 के बल्लेबाजों को, क्योंकि गेंदबाजी अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्त करते हुए आरबीजी टंच के गेंदबाज। फयाज भाई
बिल्कुल सही कहा आपने। और सेमीफाइनल का ये प्रेशर है, सेमीफाइनल का ये गेम है, अब देखना होगा कि धीरज सिंह किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि दो बार जो इन्होंने कराए हैं, जिन बॉलरों का इस्तेमाल किया है, क्या गजब की वहां पर बॉलिंग की गई है, बिल्कुल सरीखे हुए गेंदबाजों को उतारा है। अब तीसरा ओवर लेकर खुद कप्तान सीधा ताल के चल चुका है, तीसरा ओवर ये लेकर धीरज सिंह तैयार है। धर्मेंद्र गेल और धीरज सिंह ये दोनों अनुभवी हैं इस टीम के अंदर। धर्मेंद्र गेल और धीरज सिंह ये हर टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो अच्छे टीम उतारी है यहाँ पर, बेहतरीन टीम उतारी है। धीरज सिंह तैयार है, सामने है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, बल्ले का हल्का सा किनारा लगाए, फाइन लेग एरिया में फील्डर जमा रखा है वहां पर धीरज सिंह ने, और जिस तरीके की गेंदबाजी ये कर रहे हैं धीरज सिंह, बिल्कुल हनुमान भाई निकल गए कि मुझे कौन सी जगह पे फील्डर को जमा करना है, कौन सी जगह पे फील्डर खड़ा करना है, ये धीरज सिंह से बखूबी अच्छा कोई तो नहीं जान सकता। तो धीरज सिंह अनुभवी गेंदबाज है और साथ में आरबीजी टीम के कैप्टन है, तो सब कुछ इनके ऊपर झोंका गया है, अपने टीम की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं धीरज सिंह। एक बार फिर तैयार है, सामने कोलकाता फाइनल में पहुंच गई भाई, ये अच्छी गेंद, हेलीपैड से हेलीकॉप्टर तो जरूर निकाला था, लेकिन ये मिनी हेलीकॉप्टर था, ये जमीनी रास्ते वाला हेलीकॉप्टर था। अगर आपको हेलीकॉप्टर निकालना है, हो विकेट, विकेट का पतन बिल्कुल उमदा थ्रो, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, और क्या बेहतरीन थ्रो वहां पर, अच्छा थ्रो किया गया, विकेट का पतन हुआ यहाँ पर। स्कोर कितना हुआ, 11 रन। तीसरा ओवर ये चल रहा है और चार ओवर का ये मुकाबला है, और आपने केवल स्कोर बोर्ड के ऊपर 11 रन खड़ा किया है, तो बहुत कम रन है, बहुत कम रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करिए, गेंद को हवाई मंडल के ऊपर पहुंचाइए, आसमान की तरफ गेंद को रवाना करिए। लेकिन धीरज सिंह जानते हैं कि मुझे किस तरीके की गेंदबाजी करना है, मुझे कौन से फील्डर को कहां जमा करना है, कहां लगाना है, ये धीरज सिंह है, ये टीम कैप्टन है, अपनी टीम की कमान अपने ऊपर लेके चल रहे और अपने तर्कस से हर एक तीर को निकाल ले, जो तीर कहां बांधना है ये सब कुछ जानते हैं। टिप्पणी विकेट के एरिया, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, फाइन लेग और थर्ड बैंड में देख रहा हूं कि लगाया है, ये गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, डाउन द ग्राउंड खेला वहां पर धर्मेंद्र गेल, ट्राई जरूर लगाई थी लेकिन फिसलता हुआ पैर नजर आया, फिर भी आसानी के साथ मेरे बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल कर लिया। स्कोर पहुंच चुका है 13 रन, 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है। अब यहां से बल्लेबाजों को गियर चेंज करना पड़ेगा, अब यहां से आपको गेंद स्लॉट में आएगी, आपको पार्किंग लॉट में गेंद पहुंचाना पड़ेगा, ये करना है आपको, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला एक तरफा ना हो, ये हम सभी चाहते हैं, हम चाहते हैं आपके बोर्ड के ऊपर एहसान आलम अंसारी भाई, मैं बोलता हूं भाई, मुकाबला एक तरफा ना हो, क्या बोलूं भाई बता, धीरज सिंह ये चाहते हैं कि बोलो भाई क्या बोलूं, रन पे रोको उतना ज्यादा मेरे लिए फायदा होगा, लेकिन दर्शकों की ख्वाहिश ये है कि मुकाबला दिलचस्प हो। चलिए एक बार फिर धीरज सिंह इस बार बल्ले को चलाया यार, एक और विकेट का पतन, एक और झटका लगता हुआ, बिल्कुल अपने कमान से तीर को निकाल रहे धीरज सिंह, और तर्कस के तीर की तरह वो तमाम खिलाड़ी बिल्कुल हक्का बक्का नजर आ रहे, विकेट पे विकेट गिरती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा अब आपको, लेकिन अब यहाँ से बहुत देर हो चुकी है, यहाँ से अब बहुत देर हो चुकी भाई है, बहुत लोग सलाम करते, सबका जवाब नहीं दे सकते, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू भाई, दिल में दे देता हूँ भाई हर किसी का जवाब। अगले बैट्समैन है गोपा, स्कोर है 13 रन, और ये तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, मोहम्मद कयूम ठीक है भाई, आपका भी नाम ले, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर भी करते रहे भाई, सेमीफाइनल है, आप लोग देखिए भूल भुलैया है, जस्ट सामने दिख रही है, बल्लेबाजी करक बहुत मजबूत है, एक से लेकर सेवन तक तमाम खिलाड़ी हिटिंग वाले बल्लेबाज है, तमाम फिनिशर के रूप में आते हैं, तमाम के पास
वो कला है, वो टैलेंट है, वो गेंद को हर दिशा में मारने की सलाहियत रखते हैं, तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद, उल्टा गेंद, इस गेंद को रिवर्स स्वीप करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन गेंद निकल गई विकेट कीपर तक। अभी तक मुझे लगता है ये कोई बाउंड्री नहीं आई है, 3 ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री लगाई नहीं है सामने वाली टीम ने, और क्या खेल का मुजाहरा कर रही है मध्य मुकाबिल टीम, क्या उमदा प्रदर्शन कर रही है, क्या जबरदस्त खेल खेल रही है, बिल्कुल माइंडेड गेम, रणनीति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी, बिल्कुल रणनीति के साथ वो तमाम खिलाड़ी खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर धर्मेंद्र धीरज सिंह तैयार है, सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बल्ला चलाया जरूर है लेकिन वो काफी दूर नहीं जाएगी, वो जाएगी विकेट कीपर तक, और विकेट कीपर बड़े आसानी के साथ गेंद को फील्ड कर लेंगे। चलिए एक रन और जुड़ा, अब पहुंच चुका है 14 रन, तो 14 रन बहुत कम है आपके इस पिच के ऊपर, और सामने वाली टीम बहुत मजबूत टीम है, बतौर फिनिशर ये सारे लोग आते हैं, धीरज सिंह भी बतौर ऑलराउंडर खेल ले, दीपू गेल बतौर ऑलराउंडर खेल ले, तो इनके पास पंकाल जैसे खिलाड़ी इस टीम के हिस्सा है, पंकाल से खिलाड़ी आए, मुर्शिदाबाद से इस टीम के खिलाड़ी आए, और जो बंगाल के टॉप 10 की लिस्ट में जिनका नाम आता है वो खिलाड़ी इस टीम के हिस्सा है, तो जो बॉलिंग लाइनअप है ये कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, लेकिन साथ में जो बैटिंग लाइनअप है वो भी बिल्कुल उम्दा है, हर तरफ शॉट खेलने की माहिरत ये टीम है। धीरज सिंह का एक ओवर समाप्त हो चुका है, दीपू गेल ने भी अपना एक ओवर कंप्लीट कर लिया, अब कृष्णमूर्ति आ रहे, कृष्णमूर्ति अपना लास्ट ओवर लेके चल रहे, अपनी टीम के खाते का 4th ओवर, अपने कोटे का 1st ओवर लेकर कृष्णमूर्ति तैयार है, अनुभवी गेंदबाज है, और क्या तरीके की किस्म के गेंदबाज, अच्छी गेंद आ रही है, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा के चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, तो यहाँ पे किस्मत का लगता बहुत साथ मिला यहाँ पर सामने वाली टीम को, गेंद जरूर टकराई लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, तो अब आंकड़ा पहुंच चुका है 18 के योग पर, 30 रन इस पिच के अंदर, जिसको माना जा रहा है कि ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच है, ये बल्लेबाजों के लिए सपाट पिच है, ये वो हर दिशा में शॉट लगा सकते हैं। चलिए कृष्णमूर्ति तैयार है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए, सारे बल्ला चलाया है लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगाए, और 1 रन बड़े आसानी के साथ, 2 रन की ख्वाहिश, लेकिन 12 नंबर किट के खिलाड़ी ने मना किया और ये ऐलान किया कि आप नानी की टीम नहीं है भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, लगाने की कोशिश करूंगा, फाइनल मैच चल रहा है, आने वाली कितनी गेंदें शेष है, 4 गेंद, 4 गेंद और बाकी है, और रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन, तो आने वाली 4 गेंदों में आप कितना रन बनाएंगे। कृष्णमूर्ति अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है, फिर एक बार तैयार है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए, इस बार भी बल्ला चलाया है लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जा रही है ऑफ साइड एरिया की तरफ, बल्ला चल रहा है मिड विकेट एरिया की तरफ, यानी क्रॉस आप खेल रहे हैं, आप ये ज्यादा ध्यान रखिए कि गेंद ऑफ साइड एरिया में आ रही है, आप सीधे बल्ले से खेलिए, जितना ज्यादा आप सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करेंगे रन आएंगे, रन मिलेंगे, रन आपकी अंक तालिका पे जुड़ेंगे, लेकिन आप सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करिए। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला, कम से कम 1 रन तो जुड़ा, इसे 1 रन के चलते अंक तालिका पहुंच चुका है 20 के युग पर, तो 24 गेंदे और 20 रन कोई मायने नहीं रखता, आरपीजी बिल्कुल बढ़त बना रही है इस पूरे मुकाबले में, शुरू से लेकर अब तक आरबीजी ने अपना पलड़ा भारी रखा है, अपने तराजू को बिल्कुल ऊपर रखा है, लेकिन सामने वाली टीम शुरुआती दौर से ही दबाव महसूस कर रही थी, विकेट पे विकेट गिरती चली गई, बड़ी देर के बाद यहाँ पर खामोशी में एक हल्का सा तूफान तो जरूर आया, लेकिन वो तूफान भी विकेट में कन्वर्ट हो गया, वो तूफान भी विकेट में कन्वर्ट हो गया, कि हम भी दरिया गए, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये गवाही दे रहा है ये तमाम के बाद, ये गवाही दे रहा है धीरज सिंह, ये ऐलान कर रहे हैं दीपू गेल उर्फ धर्मेंद्र गेल, ये खिलाड़ी बड़े वर्चस्व कायम कर रहे हैं ये खेलने फाइनल के लिए, ये फाइनल के वीजा को अपने कोटी के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल ये टीम फाइनल के लिए दावेदार मानी जा रही है, फाइनल के लिए ये टीम बिल्कुल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट ये दोनों बहुत तेज रंग बदलते हैं। चलिए कृष्ण मूर्ति एक बार फिर तैयार है, इस बार भी सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, खेल जा रही है लेकिन मिस फील और यानी दो रन और जुड़ा, अब स्कोर पहुंच चुका है। ठीक है बैट्समैन भाई जल्दी आ जाए, वक्त बहुत कम है, जल्दी करें भाई जल्दी करें, बैट्समैन आ जाए और वक्त बहुत कम है, अब केवल पौने घंटा टाइम है शायद, हाँ पौने घंटा टाइम है, वक्त अब बहुत कम है, इसके बाद फाइनल भी कराना है तो जल्दी करिए। 24 का टारगेट है चार ओवर में, यानी 24 गेंदों में 24 रन। भाई गेंद की सप्लाई बनाए रखे, वॉलंटियर गेंद की सप्लाई बिल्कुल बनाए रखे, गेंद को सप्लाई करते रहिए। चौबीस रन चार ओवर में 24 बनाने, जल्दी करिए भाई, फील्डिंग सजाइए, अपने समस्त खिलाड़ियों को, अपने तमाम लाखों लश्करों को, अपने अफवाज को क्रिकेट के ग्राउंड के चारों दिशा में फैला दीजिए, फैलाइए जल्दी करिए, वक्त अब नहीं है, रणनीति आप काम नहीं आएगी, रणनीति बनाई जाती है जब मैच थोड़ा सा लुत्फानंदोज हो, लेकिन चार ओवर के गेम में आपने सिर्फ 23 रन बनाए, 24 का टारगेट है। तो सामने वाली टीम यानी धर्मेंद्र गेल का जो खेमा है ये बिल्कुल संयम के साथ बल्लेबाजी करेगा, ये जानते हैं कि टारगेट बहुत कम है, बहुत टारगेट कम दिया है, तो उस टारगेट का पीछा करने के लिए उतरेगी जब दो बल्लेबाज क्रिस